क्यों आज डीएम साहब के पास आए हैं, क्या मामला है जी? हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमरनाथ पांडे जी, इन्होंने काफी समय से हम लोगों को प्रताड़ित किया है, हम लोगों का पोर्टल लॉक नहीं किया, हम लोगों का राज्यांश नहीं भुगतान किया। इस संबंध में हम लोगों ने ऊपर सचिव जी से एप्लीकेशन दिया था, शिकायत की थी। जैसे अभी 31 तारीख है और हमारे यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना बहुत अच्छी चल रही थी, जो गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। अल्पसंख्यकों के जो छात्रवृत्ति है उसको अग्रसित यहाँ से नहीं किया गया। अब लगभग 7,000 छात्र यहाँ पे रह जाते जो स्कॉलरशिप से वंचित हो गए थे। तो इस संबंध में अभी हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और जब वो कल कार्रवाई होकर निलंबित हो गए। कौन? अमरनाथ पांडे जी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और उप निदेशक देवी पाटन मंडल। तो अब जब हम लोग कल गए अपनी बात को लेके, तो हम लोग को सीधा सीधा वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हम फिर से इसके लेकर आएंगे और गोंडा को और तुम लोग को देख लेंगे और गोंडा को आग लगा देंगे सभी मदरसों को। तो शिकायत आपने डीएम साहब से की? बिल्कुल, हमने अभी किया है डीएम साहब। क्या किया? हमने उनको पत्र लिख के ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। हमने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कोई नियुक्त नहीं था, तो मंडल स्तर पर तैनात श्री अमरनाथ जी को जनपद का चार्ज दिया गया था। यहाँ से कुछ शिकायतें शासन को भेजी गई, जिसके सापेक्ष ऑनलाइन तस्दीक करने पर उन शिकायतों को सही पाया गया और शासन ने उनको निलंबित करने का निर्णय लिया है। निलंबन आदेश प्राप्त हो गया है कल शाम को और जो जांच अधिकारी हैं वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो जांच में पता चलेगा कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं।